हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, राज प्रजाति किसकी है? राज 3077 किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांति अवस्था क्या है? तो CRI, ये प्रथम क्रांति अवस्था है गेहूं की, CRI ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर से बोई जाने वाली गेहूं की बुवाई की गहराई होगी कितनी होती है? तो 3 सेंटीमीटर होती है, कितनी? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितिमा प्रजाति है जौ की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेट ब्लोच बीमारी किसके कारण होती है? तो है हेलमिंथोस्पोरियम सेटाइबाग के कारण होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फसल पकते समय तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कौन सा आलू से नहीं बनता है? तो इसमें देखिए, आलू से वाइन भी बनती है, एसिटिक एसिड भी बनता है, फरिना और अल्कोहल भी बनता है, मगर पेपर नहीं बनता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अनाज की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो अनाज की फसलों का राजा गेहूँ को कहा जाता है। नगदी फसल कौन सी है इनमें से? तो इनमें से नगदी फसल गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहनी फसल कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली दलहन फसल चना की कही जाती है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी की। चना में उकठा रोग का कारण होता है, कारण बताइए। तो चना में उकठा रोग का कारण होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ साइसेरिस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवीय विश्वनाथ प्रजाति है किसकी? मालवीय विश्वनाथ प्रजाति मशहूर की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिलहनी फसल में तेल का रंग किसके कारण होता है? तो तिलहनी फसलों में तेल का रंग कैरोटीनाइड्स के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा जगन्नाथ प्रजाति किसकी है? तो पूसा जगन्नाथ प्रजाति है सरसों की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरसों की बीज दर कितनी होती है? तो सरसों की बीज दर होती है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सिंचित क्षेत्रों में तुरैया फसल के लिए NPK की सिफारिश कितनी होती है बताइए? तो 90 से 40 डिग्री NPK प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों कुल की सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? माहू भी है, आरा मक्के भी है, लीप माइनर भी है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मार्डन प्रजाति किसकी है? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मार्डन प्रजाति सूरजमुखी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में स्टार्च की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? स्टार्च की मात्रा होती है 20% होती है, 20% होती है, ऑप्शन नंबर, जो कि इसमें है नहीं, तो 20% हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।